Hello everyone, good morning to all of you. I'm really very sorry कि आज live नहीं आ पाए, क्योंकि कल जो हम live आए थे तो webcam जो था वो low quality का था, इसलिए blur आ रहा था। तो आज मैं सिर्फ आप लोग का next class का video upload कर देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि एक दो दिन के अंदर आप लोगों के साथ live आऊंगा, ताकि हम लोग का classes basic वाला और discussion दोनों का साथ में चले। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पोकन के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था ऑलमोस्ट 24 टाइम वर्ड्स के बारे में। आज हम लोग वही सारे टाइम वर्ड्स को एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे वन बाय वन। तो आज का क्लास जो हम लोग का होगा वो होगा डू एंड डज का। आज का क्लास जो हम लोग का होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, डू एंड डज का। देखो आप, जिसको आप सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं, उसको आप सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हो, इसी को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हो, इसी को आप प्रेजेंट इंडेफिनिटली बोलते हो। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, या फिर आप डू एंड डज बोलो, डू एंड डज जो होता है उसका यूज कहां करते हैं और क्यों करते हैं। देखो आप, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि सब क्यों करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है क्यों करते हैं, उसका आंसर ये हुआ कि जितना भी हमारा डे टू डे वर्क होता है और कोई भी हैबिचुअल एक्टिविटीज होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए आप डू एंड डज का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफिकेशन में या फिर रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या लिखोगे, ऑल द हैबिचुअल वर्क्स और डे टू डे वर्क को एक्सप्रेस करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, डू एंड डज का यूज करते हैं। देखो आप, जब हम डू एंड डज की बात कर रहे हैं तो ये डू एंड डज आया कहां से, तो कल मैंने आपको बताया था फॉर्म ऑफ एक्शन, फॉर्म ऑफ एक्शन। देखो, फॉर्म ऑफ एक्शन के अंदर हमने आपको बताया था फाइव फॉर्म्स ऑफ एक्शन, एक्शन फर्स्ट, एक्शन सेकंड, एक्शन थर्ड, एक्शन फोर्थ एंड एक्शन फिफ्थ, पांच एक्शन बताए थे। देखो ऐसे अगर आप डू का बात करेंगे और डज का बात करेंगे तो देखो, डू का मतलब करना होता है और डज का मतलब ही करना हो जाता है। तो हमने डू एक एक्शन को लिया जिसका फर्स्ट फॉर्म है डू, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, डूइंग एंड फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, डज। देखो आपको यहां पे दिख रहा है फर्स्ट डू एंड फिफ्थ डज, इसी को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। मतलब कहने का ये है कि सिंपल प्रेजेंट के अंदर या तो हम एक्शन का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। देखो अब कैसे, तो एक जगह लिखो आप डू और एक जगह लिखो आप डज, ये क्यों है। तो देखो एक और चीज लिखो आप, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी कन्वर्सेशन के लिए या फिर कोई भी बातचीत के लिए आपको सेंटेंस का जरूरत पड़ता है, और सेंटेंस के अंदर तीन मेन चीज होता है, कौन कौन सा देखो आप, सब्जेक्ट, दूसरा कौन सा एक्शन, और तीसरा कौन सा टाइम वर्ड। ये तीन चीज ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो सब्जेक्ट क्या हुआ, डूअर, डूअर का मतलब क्या, करने वाला, डूअर का मतलब क्या, करने वाला।
कोई भी एक्टिविटी हो रहा हो, कल मैंने आपको बताया था कि काम कुछ भी हो, कोई भी एक्टिविटी हो तो वो एक्शन है, तो एक्शन जब आप करेंगे तभी तो कुछ होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, करने वाला। जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो करने वाला कौन हुआ, मैं हुआ, तो मैं जो हुआ वो क्या हुआ, सब्जेक्ट। मैं जो हुआ वो क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब देखो आप यहाँ पे एक्शन आता है, तो एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ा रहे हैं ना भाई, तो पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना तो एक्शन हुआ, तो यहाँ पे पढ़ाना जो हुआ वो आपका एक्शन हुआ, जो भी एक्टिविटी हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रहा है तो पढ़ाना ये क्या हुआ, एक्शन हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं टाइम वर्ड में। टाइम वर्ड क्या होता है, टाइम वर्ड वो एक्शन वर्ड होता है जो मेन एक्शन को, टाइम वर्ड वो एक्शन होता है जो मेन एक्शन को क्या करता है, मेन एक्शन को क्या करता है, सपोर्ट करता है, सो दैट यू प्रॉपरली मीनिंगफुल हो जाए, या फिर सो दैट कि वो सेंटेंस में प्रॉपरली मीनिंग दे सके। हमने क्या बोला कि टाइम वर्ड वो एक्शन होता है, होता है जो मेन एक्शन को सपोर्ट करे, जो मेन एक्शन को सपोर्ट करे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ये तीनों चीज को मिला के जो एक बनता है सेंटेंस। सेंटेंस का कितना पार्ट हुआ, तीन पार्ट। सबसे पहला क्या आया, सब्जेक्ट, दूसरा क्या आया, चाइल्ड वर्ड, और तीसरा क्या आया, एक्शन, ठीक है। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, देखो तो क्वेश्चन होगा कि जो हैबिचुअल वर्क है और जो डे टू डे वर्क है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा हिंदी से इंग्लिश में। तो देखो सबसे पहला तो आप एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल क्या है कि मैं कॉलेज जाता हूं, मैं कॉलेज जाता हूं। देखो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो ये तो आपका हैबिट हो डेली कॉलेज जाना, ठीक है, आप एवरीडे तैयार होकर कॉलेज जाते ही हो। तो मैंने बोला क्या कि मैं कॉलेज जाता हूँ, ये क्या है, मेरा डे टू डे वर्क है, वो हमको करना ही करना है। तो जो इसमें कर रहा है ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, जो काम करने वाला है। कॉलेज जाना क्या है, वो एक्शन है, एक्शन मेन एक्शन जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए इंग्लिश में हमको जरूरत पड़ेगा किसका, एक एक्सटर्नल एक्शन का जिसको आप बोलते हो टाइम वर्ड, ठीक है। तो यहां पे हम डिफाइन कैसे करेंगे, यहां पे हम डिफाइन कैसे करेंगे कि कौन से टाइम वर्ड के साथ हम कौन सा सब्जेक्ट का यूज करें। तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आप डज का यूज करिए और प्लूरल के साथ आप डू का यूज करिए, तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो कंफ्यूजन से बचाने के लिए कुछ काउंटेड सब्जेक्ट है, जैसे कि आई, वी, यू, दे एंड नेम्स के साथ, आई, वी, यू, दे एंड नेम्स के साथ आप किनका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे, and the rest of the subject like he, she, it and name के साथ आप किसका यूज करेंगे, does का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो आप इसका यूज कैसे करोगे, तो एक और चीज देखो, सेंटेंस को ना जनरली तीन पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। सेंटेंस को तीन तरह से आप पूछ सकते हैं। नंबर वन, या तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आप आंसर करेंगे,
जो कि आपका पॉजिटिव होगा, या फिर आप आंसर करेंगे जो कि आपका नेगेटिव होगा। ऐसे तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत सारे हैं जो हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे, बट यहां पे तीन चीजें आपके हैं। सेंटेंस को आप तीन तरह से, बेसिकली स्पोकन के अंदर आप तीन तरह से बोल सकते हैं। या तो आप किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, या तो आप किसी को आंसर करेंगे पॉजिटिव में, या फिर किसी को आंसर करेंगे नेगेटिव में। ठीक है, तो ये जो होगा आई वी यू दे एंड नेम्स के साथ डू का यूज, ही सी इट एंड नेम के साथ डज का यूज। अब देखो कैसे, तो यहां से अब इसी चीज में एक और देखो, जब आप आंसर करोगे तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और इन सारे सब्जेक्ट के साथ एक्शन का फिफ्थ फॉर्म का यूज करोगे। कैसे? तो हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आप कॉलेज जाते हैं। मैंने ऐसे आपसे पूछने का एक मन किया कि बताओ भाई कि आप कॉलेज जाते हैं। तो अब देखो, इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको अंग्रेजी में बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा। वो स्ट्रक्चर क्या होगा? जब भी आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो तो एक स्ट्रक्चर शुरू के आपको जाना पड़ता है। स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले आप टाइम वर्ड को ऐड करेंगे। टाइम वर्ड को लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट लिखने के बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन करते समय आपका यहाँ पे टाइम वर्ड जो भी हो, डू हो, डज हो, जो भी हो टाइम वर्ड, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे। ठीक है, एक्शन का जो होगा फर्स्ट फॉर्म ही होगा जब आप क्वेश्चन करोगे। इसमें कुछ डाउट मत रखना कि सर फर्स्ट की फिफ्थ, फर्स्ट की फिफ्थ, ऐसा कोई डाउट मत रखना। आप क्वेश्चन करोगे तो हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्या बोला था, सब्जेक्ट लाइक आई बी यू दे के साथ, ठीक है, दे के साथ क्या लगाओगे? डू डज लगाओगे। तो चलो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है? डू और डज। तो हमने लिखा यहाँ पे डू और डज। ठीक है, लिखने के बाद देखो सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट है आप, इसको आप बोलते हो यू, और कॉलेज जाना को सीधा सीधा बोलो, अलग तोड़ो मत, इसको ब्रेक मत करो। कॉलेज जाना को आप सीधा सीधा लिखो, कॉलेज जाना को क्या बोलते हो आप? गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज। तो यहां से लिखो आप डू डज यू गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज, क्वेश्चन मार्क। अब तो यहाँ पे दो आ रहा है, दोनों तो होना नहीं चाहिए, कोई एक ही होना चाहिए। तो बताओ डू होगा कि डज होगा आपका? अब चेक करते हैं। देखो यहाँ पे आई बी यू, यू के साथ क्या यूज करेंगे आप? डू का यूज करेंगे, तो दस तो होगा नहीं, चेयर हुआ ना, कोई डाउट है? डू यू गो टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज जाते हैं? तो क्या बोलेंगे आप? डू यू गो टू कॉलेज। अब देखो आंसर पे आते हैं। जब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप या तो उसका आंसर हाँ में करेंगे या फिर ना में करेंगे। तो हाँ मैं कॉलेज जाता हूँ, ये अगर मेरा आंसर हुआ तो ये पॉजिटिव हुआ। आंसर जब हम पॉजिटिव पे कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? हाँ मैं कॉलेज जाता हूं, हाँ मैं कॉलेज जाता हूं। अब देखो आप, आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो स्ट्रक्चर है, हाँ के लिए तो आप यस लिखोगे ना भाई, हाँ के लिए तो यस लिखोगे, तो यस लिख दो। अब मैं कॉलेज जाता हूं के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिखोगे, अब एक्शन का फर्स्ट लिखोगे या फिर एक्शन का फिफ्थ लिखोगे? ठीक है, एक्शन का फर्स्ट लिखोगे या फिर एक्शन का फिफ्थ लिखोगे? तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहेंगे, बोलेंगे सर फर्स्ट की फिफ्थ। तो यहाँ पे देखो ना भाई, हमने आपको बताया है कि सब्जेक्ट लाइक आई बी यू दे एंड नेम्स हो तो एक्शन का फर्स्ट, एंड ही सी इट एंड नेम हो तो एक्शन का फिफ्थ। इतना सिंपल सा है। तो देखो आपका जो स्टेटमेंट होगा, यस तो आप बोलोगे ही बोलोगे, सब्जेक्ट आपका क्या है? मैं है, मतलब आई है। देखो तो आई के साथ क्या फर्स्ट फॉर्म लगाओगे? तो आई क्या आपका क्या है? कॉलेज जाना हो क्या बोलते हैं? गो टू कॉलेज, तो आई गो टू कॉलेज, कंप्लीट। अगर आपका आंसर नेगेटिव होता है, तो आप क्या बोलोगे?
अगर आपका आंसर निगेटिव होता है तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैं कॉलेज नहीं जाता हूं, नहीं मैं कॉलेज नहीं जाता हूं। अब देखो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अब निगेटिव हुआ तो स्ट्रक्चर नहीं के लिए तो आप नो लिखोगे ना भाई, नहीं के लिए तो आप नो लिखोगे। चलो उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या, डू और डज, तो डू और डज नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट। देखो आप जब आपका स्टेटमेंट निगेटिव होगा ना, जब आप नहीं में कुछ बोलेंगे तो भी हमेशा आंसर करते समय एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही रखोगे, जब आपका आंसर पॉजिटिव हो तब सिर्फ फर्स्ट और फिफ्थ का लोचा है, बाकी या तो क्वेश्चन पूछो या फिर आंसर निगेटिव में दो, तो एक्शन हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। अब बताओ आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नो नहीं मैं कॉलेज नहीं जाता हूं, सब्जेक्ट आपका क्या है आई, और देखो डू और डज, चलो डू और डज यहाँ पे लिख देते हैं, डज नॉट एक्शन का फर्स्ट फॉर्म क्या, गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज। अब देखो ना आप यहाँ पे आई के साथ क्या यूज कर रहे हो, आई के साथ डू का यूज कर रहे हो, मतलब डज तो होगा नहीं, तो यहां से आप डज को हटा दो, नो आई डू नॉट गो टू कॉलेज, कंप्लीटेड, कंप्लीट है यहां तक कोई प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और आपसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल है, देखो ना क्वेश्चन है कि क्या राहुल कॉलेज जाता है, क्या राहुल कॉलेज जाता है, क्वेश्चन है कि क्या राहुल कॉलेज जाता है, तो देखो सेम है आपका स्ट्रक्चर, आप यहां से लिखो डू और डज, स्ट्रक्चर तो वही है, वो तो चेंज होगा नहीं, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन फर्स्ट एंड क्वेश्चन लास्ट। अब देखो आप यहां पे डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो लिख दो आप इसको डू और डज, सब्जेक्ट आप क्या क्या राहुल, और एक्शन फर्स्ट गो टू कॉलेज एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखो आप डू की डज बताओ, आप देखो ना यहाँ पे सिंगल नेम है, सिंगल नेम तो राहुल क्या नेम ही है, तो सिंगल नेम के साथ क्या लगा रहे हो, डज लगा रहे हो, तो यहाँ से डू खत्म हो जाएगा, तो डज राहुल गो टू कॉलेज। अगर आपका आंसर पॉजिटिव होता है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव होता है तो आप क्या बोलेंगे, हाँ राहुल कॉलेज जाता है, हाँ राहुल कॉलेज जाता है, तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर तो मैंने ऐसे आपको पहले ही बताया है, जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, यस प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन फर्स्ट और एक्शन फिफ्थ, ये होगा आपका स्ट्रक्चर। देखो तो आप यहां से क्या बोलोगे, यस तो होगा ही हाँ के लिए, सब्जेक्ट आपका क्या है राहुल है, और आंसर आपका पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव का आंसर है, तो सब्जेक्ट अगर राहुल है, नेम है, नेम है, तो इसके साथ क्या यूज करोगे आप, एक्शन का फिफ्थ फॉर्म। अब देखो ना यहाँ पे गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है, गोइंग फोर्थ फॉर्म है, एंड गोज फिफ्थ फॉर्म है, तो आप क्या बोलोगे, यस राहुल गोज टू कॉलेज, यस राहुल गोज टू कॉलेज। अगर आपका आंसर नेगेटिव हो जाता है, अगर आपका आंसर नेगेटिव हो जाता है तो आप क्या बोलेंगे, नहीं राहुल कॉलेज नहीं जाता है, राहुल कॉलेज
नहीं जाता है, चलो ठीक है नहीं जाता है तो नहीं जाए, हमको क्या है, हमको बोलने से मतलब है। राहुल कॉलेज नहीं जाता है, तो नहीं के लिए तो आप नो लिखोगे भाई। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज, नॉट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि या तो क्वेश्चन हो या फिर आंसर है नेगेटिव हो, दोनों ही केस में जो आपका मेन एक्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। चलो आगे बढ़ते हैं, नो तो है ही, इसको लिख दो एज इट इज। सब्जेक्ट आपका क्या है, राहुल बाबा है, तो यहां से लिखिए फिर राहुल, नो राहुल डू और डज, डू और डज नॉट गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज। अब देखो ना आप, यहाँ पे राहुल सिंगल है तो क्या हो जाएगा, राहुल डज नॉट गो।